सन्यासी का आदर्श। मनुष्य का पहला जन्म पिता से होता है, उपनयन के समय उसका दूसरा जन्म होता है और सन्यास के समय फिर तीसरी बार जन्म होता है। संसार में रहने से मन का बहुत सा भाग फालतू खर्च हो जाता है। इससे मन को जो क्षति पहुंचती है उसकी पूर्ति सन्यास ग्रहण करने पर ही हो सकती है। सन्यास ग्रहण का योग्य अधिकारी कौन है? जो संसार को पूर्ण रूपेण त्याग देता है, कल क्या खाऊंगा क्या पहनूंगा इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करता, वही ठीक ठीक सन्यासी बनने लायक है। योगी और सन्यासी सर्प के समान होते हैं। सर्प अपने लिए कभी बिल नहीं बनाता, वो सदा चूहे के बिल में रहता है। एक बिल नष्ट हो जाए तो दूसरे में चला जाता है। योगी सन्यासी लोग भी इसी तरह अपने लिए घर नहीं बनाते, वे दूसरों के यहां रहते हैं। आज यहां तो कल वहां, इस तरह दिन बिताते हैं। सफेद स्वच्छ कपड़े पर अगर थोड़ा सा भी काला लग जाए तो वो बहुत भद्दा दिखाई देता है। साधुओं का छोटा सा दोष भी बड़ा भारी मालूम होता है। सन्यासी यदि स्वयं निर्लिप्त हो, जितेंद्रिय हो, तो भी लोगों के सामने आदर्श रखने के लिए उसे कामनी कांचन का सर्वतोभावेन त्याग करना चाहिए। सन्यासी का 16 आना त्याग देखकर ही लोगों को साहस होगा, तभी वे कामनी कांचन को त्यागने का प्रयत्न करेंगे। भला त्याग की शिक्षा अगर सन्यासी ना दे तो कौन दे? सच्चे सन्यासी या त्यागी का लक्षण क्या है जानते हो? उसे कामिनी कांचन के किसी भी प्रकार के संस्पर्श में नहीं रहना चाहिए। यहां तक कि स्वप्न में भी यदि उसका कामिनी से सहवास हो, वीरपात हो जाए अथवा कांचन के प्रति आसक्ति हो जाए तो इतने दिनों का साधन भजन सब नष्ट हो जाता है। जब तुमने साधु सन्यासी का वेश धारण किया है तब तुम्हें साधु सन्यासियों जैसा ही आचरण करना चाहिए। जैसे नाटक में जो राजा बनता है वो हमेशा राजा ही बनता है, जो मंत्री बनता है वो हमेशा मंत्री ही बनता है। एक बार एक बहुरूपिया साधु सजकर जमींदार के यहां आया था। जमींदार ने उसे रुपया देना चाहा पर उसने छुआ तक नहीं। थोड़ी देर बाद वो नहा धोकर वेश बदलकर फिर आया और बोला, जो दे रहे थे अब दे दो। जिस समय वो साधु बना हुआ था उस समय वो रुपये को छू भी नहीं सका था, पर अब चवन्नी भी मिल जाए तो खुश होगा। एक आदमी अपने बीमार बच्चे को गोद में ले एक साधु के पास दवा लेने गया। साधु ने उससे कहा, कल आना। दूसरे दिन जब वो आदमी फिर गया तब उस साधु ने कहा, बच्चे को गुड़ बिल्कुल मत खाने देना, इसी से वो अच्छा हो जाएगा। तब वो आदमी बोला, महाराज ये बात आप कल ही बता देते। साधु बोला, हां बता तो सकता था पर कल मेरे सामने ही गुड़ रखा हुआ था। ये बात अगर मैं कल बताता तो तुम्हारा बच्चा सोचता कि ये साधु खुद तो गुड़ खाता है और दूसरों को मना करता है। जो व्यक्ति माता पिता या पत्नी से झगड़ा हो जाने के कारण वैरागी बन जाता है उसे खींचा हुआ वैरागी कहते हैं। उसका वैराग्य 2 के लिए होता है। किसी बड़ी जगह अच्छी नौकरी मिल गई कि वो वैरागी छोड़कर नौकरी करने लग जाता है। सच्चे साधु की क्या पहचान है? जिसका मन प्राण अंतरात्मा पूरी तरह ईश्वर में ही समर्पित हो वही सच्चा साधु है। सच्चा साधु कामनी कांचन का संपूर्ण त्याग कर देता है। वो स्त्रियों की ओर ऐहिक दृष्टि से नहीं देखता, वो सदा स्त्रियों से दूर रहता है। और यदि उसके पास कोई स्त्री आए तो वो उसे माता के समान देखता है। वो सदा ईश्वर चिंतन में मग्न रहता है और सर्वभूतों में ईश्वर विराजमान हैं ये जानकर सबकी सेवा करता है। ये सच्चे साधु के कुछ साधारण लक्षण हैं। जो साधु दवाई देता हो, झाड़ फूंक करता हो, पैसे लेता हो और भभूत रमाकर या माला तिलक आदि बाह्य चिन्हों का आडंबर रचकर
मानो साइन बोर्ड लगाकर लोगों के सामने अपनी साधुगिरी का प्रदर्शन करता हो, उस पर कभी विश्वास मत करना। सन्यासी का स्वभाव ही है क्षमाशीलता।